अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये रोटी हमारी रात में हमने होटल से मंगाई थी और ये बच गई है, तो ये बर्बाद ना हो इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ मीठा डिश बना करके करा जा रहा है। कि आप देख सकते हैं ये रोटी हमने इसमें तोड़ करके डाल दी है और अब हम इसको मिक्स करेंगे, पीसेंगे इसे। अब आप देख सकते हैं हमने इस रोटी को मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए, हमारे यहाँ रसगुल्ला आया था और इस रसगुल्ले की चाशनी जो है वेस्ट होती है, तो हम इस चाशनी से ही बची हुई रोटियों का मिक्स ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के लड्डू बनाएंगे। रसगुल्ले की चाशनी, देखिए दोस्तों, ये कच्चा नारियल है, ताज़ा ये कच्चा नारियल है। ये हमने बादाम को क्रश कर लिया है, बादाम को क्रश करके, और ये चार मगज़ हैं, ये मस्क मेलन सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं, और ये थोड़ी सी किशमिश है, और ये सूखा नारियल है जिसको हमने क्रश कर लिया है। अब आपने देखा हमने सारा सामान इसमें डाल दिया, एक बार हम इसको और मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारा सामान मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको बाहर किसी प्लेट में बाउल में निकालने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, ये हमारा सब कुछ मिक्स हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स है, शुगर सिरप है, इसमें जो रसगुल्ले की बची हुई चाशनी थी और बची हुई रोटी थी, उन सबको मिक्स करके हमने ये लड्डू बनाया है। दोस्तों देख सकते हैं हमने इन सब का लड्डू बना लिया है। अब इनकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे ताकि ये देखने में अच्छे लगे। ये ताज़ा नारियल है जिसको हमने क्रश करा हुआ है, कद्दूकस करा है, और ये लड्डुओं को हम एक एक करके उठाएंगे और इसमें ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। ये यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी है और अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं खाने में, और आपका जो सामान है वो भी बर्बाद नहीं होगा। और ये हेल्दी भी है, इसमें कोई बाहर की कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है। ड्राई फ्रूट्स हैं, रोटी है, शुगर सिरप, वही रसगुल्ले की चाशनी है, और ये आप देख सकते हैं हमने नारियल में इसको कोट करा है। देखने भी खूबसूरत लग रहा है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हैं ये हमारे हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनके तैयार हैं। आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा आप सबको भी। आपका सामान बर्बाद भी नहीं होगा और इस्तेमाल भी बेहतरीन हो जाएगा।